अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल अपने आप को यहाँ पर बनाई है, राइट। सो दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल जो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर बनाई है, इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला फेज है आपके पास फेच, फेज के बाद नेक्स्ट फेज है आपके पास डिकोड, और डिकोड के बाद जो नेक्स्ट फेज है आपके पास वो है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नोटेशंस को यूज़ करते हैं, राइट। तो इन मैनी बुक्स यू कैन ऑल्सो फाइंड कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कुछ इस तरीके से दिए गई है। सो बेसिकली दैट इज़ अ मोर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल, कि वहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सबसे पहले आप फेच करेंगे इंस्ट्रक्शन को, फेच करने के बाद आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, और डिकोड करने के बाद आप इफेक्टिव एड्रेस को इवैल्यूएट करेंगे, राइट। इफेक्टिव एड्रेस को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। वी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस क्या क्या है, बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर आपको इस तरीके से आपको एक सिंपल सी एक साइकिल दी है कि फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, और कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से एक और फेज़ यहाँ पर जोड़ दिया गया है इफेक्टिव एड्रेस। सो बेसिकली दोनों चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो पहली साइकिल है यहाँ पर डिकोड के अंदर ही उन्होंने इफेक्टिव एड्रेस को इवैल्यूएट करना, इंटरनली ही वहाँ पर इवैल्यूएट कर लिया है, करेक्ट। तो काफ़ी ऐसी इंस्ट्रक्शन, सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आपको इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेसेस इन सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, बट कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पर आपको इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दो तरह की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, राइट। इंस्ट्रक्शन जो आपके पास हैं वो दो तरह की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वेयर यू आर गेटिंग अ डायरेक्ट एड्रेस, एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन वेयर यू आर गेटिंग अ इनडायरेक्ट एड्रेस, राइट। सो इनडायरेक्ट एड्रेस एज वेल एज डायरेक्ट एड्रेस। तो जब आपके पास डायरेक्ट एड्रेस है तब आपको उस समय पर इफेक्टिव एड्रेस को इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेन एन इंस्ट्रक्शन इज़ हैविंग अ इनडायरेक्ट एड्रेस इन दैट केस यू हैव टू इवेल्युएट द इफेक्टिव एड्रेस। तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस में तो उन्होंने इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट किया है, उन्होंने एक साइकिल को इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूज़ किया हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, ऐसा क्यों किया। सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू हैव, वेदर द इंस्ट्रक्शन इज़ हैविंग अ डायरेक्ट एड्रेस और वेदर द इंस्ट्रक्शन इज़ हैविंग एन इनडायरेक्ट एड्रेस। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ देम, और समझने की कोशिश करेंगे दोनों का मतलब क्या है और दोनों में कितनी क्लॉक साइकिल्स लग सकती हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब अगर मैं इसको रब कर सकता हूँ, देखो सबसे अभी हमें जो फोकस करना है वो हमारे पास जो फेच स्टेज है, अभी हम सिर्फ फेच स्टेज के पास फोकस करेंगे और समझेंगे कि फेच स्टेज पर हमारे पास क्या क्या वर्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेज में क्या है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे, उसके बाद हम जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे पास जिस एड्रेस जो एड्रेस हमें दिया है उसकी वैल्यू को इंस्ट्रक्शन के अंदर कॉपी करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी फेच साइकिल है, जो आपकी ये फेच साइकिल है, तो इसमें हम तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा है कि जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू को हमने कॉपी किया एड्रेस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। दूसरा काम हमने ये किया इसके बाद कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा वर्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि जो एड्रेस हमारे पास एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड है वो एड्रेस को हम लेकर जाएंगे मेमोरी पे, और वहाँ से जो भी वैल्यू है हम उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे। दिस इज़ द ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। अब देखो यहाँ पर ना ये जो सेकेंड ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन हियर, मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, यू कैन ओनली डू इट आफ्टर यू हैव कॉपीड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन एड्रेस रजिस्टर, बिकॉज उससे पहले अगर आप सो करेंगे तो सब कोई मतलब नहीं बनता, देर इज नो मीनिंग ऑफ दिस। सो यू कैन ओनली परफॉर्म इट आफ्टर यू कॉपीड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर फ्रॉम द एड्रेस रजिस्टर। सो बेसिकली वट यू कैन डू इज कि जो आपकी पहली क्लॉक साइकिल है, इन योर फर्स्ट क्लॉक साइकिल यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, एंड देन इन द सेकेंड क्लॉक साइकिल यू आर गोइंग टू परफॉर्म दीज टू ऑपरेशंस, बिकॉज ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं हम इन दोनों ऑपरेशंस को पैरेलली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो समझने की कोशिश करो, मतलब मैंने क्लॉक साइकिल का नाम क्यों लिया, वाई हैव आई इवन टेकन द नेम ऑफ क्लॉक साइकिल हियर, क्लॉक साइकिल का मतलब क्या था, एंड वाई आई वॉज इवन टॉकिंग अबाउट द क्लॉक साइकिल,
ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी कंपोनेंट लेंगे तो उन सभी कंपोनेंट को सिंक्रनाइज करने के लिए हम टाइमिंग और क्लॉक सिग्नल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और टाइमिंग और क्लॉक सिग्नल्स कैसे जनरेट किए जा सकते हैं? वी कैन जनरेट टाइमिंग एंड क्लॉक सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स। डिजिटल लॉजिक में, इन योर डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट, हमने वहाँ पर काउंटर्स के बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट। एंड वी कैन हैव वेरियस काइंड ऑफ काउंटर्स, वी कैन हैव अ डेकेड काउंटर, वी कैन हैव, आई मीन वेरियस काइंड ऑफ काउंटर्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ काउंटर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ सीक्वेंस काउंटर। तो जो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सीक्वेंस काउंटर, सीक्वेंस काउंटर, ठीक है। एंड फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस आई एम अज्यूमिंग इट एज ए 4-bit सीक्वेंस काउंटर, बिकॉज जो आपकी बुक है, बुक में हमने 4-bit सीक्वेंस काउंटर के बारे में डिस्कस किया है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ 4-bit सीक्वेंस काउंटर हियर, ठीक है। तो ये जो आपका 4-bit सीक्वेंस काउंटर है, इसके अंदर हमारे पास तीन यहाँ पर सिग्नल्स होंगे। वन विल बी योर क्लॉक, एक होगी आपके पास क्लॉक, एक होगा आपके पास यहाँ पर क्लियर, और एक होगा आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास 4-bit सीक्वेंस काउंटर है, सो दैट मीन्स हियर वी विल बी हैविंग 4 आउटपुट लाइंस, ठीक है। देखो 4-bit का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 4-bit? 4-bit का मतलब है कि आप 4-bit से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे 4-bit से आप 000 काउंट कर सकते हैं, उसके बाद द नेक्स्ट वैल्यू कैन बी 001, राइट। नेक्स्ट कैन वैल्यू कैन बी 010, राइट। नेक्स्ट वैल्यू कैन बी 011, अप टू सो ऑन। इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ काउंटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। डिजिटल लॉजिक में जो हमने काउंटर्स का टॉपिक किया था, द सेम टॉपिक आई एम यूजिंग हियर। आई एम जस्ट यूजिंग अ 4-bit काउंटर, जिसको 4-bit काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई कैन यूज़ डी फ्लिप फ्लॉप, आई कैन यूज़ टी फ्लिप फ्लॉप, वट एवर काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप यू वॉन्ट, मैं उसमें से किसी भी फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर 4-bit काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सो बिकॉज आई वॉन्ट अ 4-bit काउंटर, दैट मीन्स हाउ मनी फ्लिप फ्लॉप्स डू वी नीड? क्या कोई बता सकता है चैट विंडो के अंदर? टू इम्प्लीमेंट अ 4-bit काउंटर वी नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स। हमें 4-bit काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत है, बिकॉज एवरी फ्लिप फ्लॉप इज़ गोइंग टू स्टोर 1-bit। हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1-bit स्टोर होंगी, इसी वजह से आप 4-bit का काउंटर अगर आपको बनाना है, दैट मीन्स यू नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स। आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, विद दिस काउंटर आई कैन कनेक्ट समथिंग कॉल्ड एज ए डिकोडर। इस काउंटर के साथ मैं एक डिकोडर को कनेक्ट कर सकता हूँ। सो बिकॉज दिस डिकोडर इज़ हैविंग 4 इनपुट, देन हाउ मेनी आउटपुट्स विल बी देयर? 2^4 आउटपुट्स विल बी देयर, दैट इज़ इट्स गोइंग टू बी 4x16 डिकोडर। ये आपका 4x16 डिकोडर होगा। सो बिकॉज इट इज़ हैविंग 4 इनपुट, देन दे विल बी 16 आउटपुट लाइन्स हियर, राइट। सो दिस इज़, यू कैन से दिस इज़ आउटपुट 0, दिस इज़ आउटपुट 1, अप टू सो ऑन, द लास्ट आउटपुट विल बी आउटपुट 15। आपके पास टोटल यहाँ पर 16 आउटपुट्स होंगे, ओके। नाउ इमेजिन कि आपकी क्लॉक है वो किस तरीके से काम करेगी, राइट। तो आपकी क्लॉक है वो कैसे बनती है? सो इफ यू रिमेंबर इट, आप सभी को याद होगा, सो आई कैन मेक अ क्लॉक लाइक दिस, राइट। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ, सो दैट आप सभी को क्लियर रहे। सो योर क्लॉक इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपकी क्लॉक होती है, राइट। ये आपकी क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नाउ अब ये जो काउंटर है वो किस तरह का काउंटर है? बाय लुकिंग एट इट कैन यू टेल मी कि ये जो काउंटर है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है? जब यहाँ पर जो मैंने क्लॉक बनाई है, आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल एरो हियर, दैट मींस इट इज़ अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी कि जब भी हमारे पास इस क्लॉक के अंदर ये वाली पॉजिटिव एज आएगी, वेन एवर आई एम गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव एज लाइक दिस, तो जो आपका काउंटर है इट विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। इट विल स्टार्ट वर्किंग वेन एवर वी गेट अ पॉजिटिव एज। सो दैट मीन्स when you started this counter initially in the first clock cycle it will produce this one, तो इसका जो counting होगी वो all zeros होंगी। यानी कि जो आपकी first clock cycle होगी उस समय पर ये जो decoder है it will, जो आपका पहला जो यहाँ पर output आ रहा है, right, this output here, so this output here, जो first output आपका decoder का, that will produce a value 1, that will produce a value 1 for the first clock cycle। पहली क्लॉक साइकिल के लिए ये यहाँ पर जो वैल्यू है ये 1 को प्रोड्यूस करेगा, एंड देन एज सुन एज द फर्स्ट क्लॉक साइकिल इज़ फिनिश्ड, जैसे ही पहली क्लॉक साइकिल यहाँ पर फिनिश हो जाएगी, इट विल चेंज द वैल्यू टू 0, ओके, क्लियर। उसी तरीके से
एज सुन एज द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल विल कम, जैसे ही अगली क्लॉक साइकिल आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल जीरोस एंड वन, ठीक है। और यू कैन से, अगर आप ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, इफ यू रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, कि ये आपका इनपुट जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट जीरो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट वन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट टू, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट थ्री, राइट। तो यानी कि अगली जो क्लॉक साइकिल्स आएंगी, राइट, सो इट विल प्रोड्यूस 1 0 0 0 विच इज रिप्रेजेंटिंग ए वैल्यू 1, यानी कि जो आपकी आउटपुट लाइन 1 है, राइट। तो जैसे ही, आई एम सो सॉरी, लेट मी ऑल्सो शो यू समथिंग, मेरे को एक और चीज़ को यहाँ पर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ वन मोर थिंग हियर, तो येस, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जो क्लॉक है वो भी यहाँ पर सिंक्रनाइज करनी है, तो लेट मी चेंज इट एंड मेक इट फॉर यू गाइस, राइट। तो अब देखो, कहने का मतलब है कि आपकी फर्स्ट क्लॉक साइकिल कहाँ पर आ रही है, वेन योर फर्स्ट क्लॉक साइकिल इज कमिंग। सो इफ़ यू चेक इट, तो जो आपका आउटपुट ज़ीरो जो है, जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज आएगी, दिस आउटपुट ज़ीरो विल चेंज टू वन, एंड एज सुन एज द सेकेंड क्लॉक साइकिल विल कम, इट विल अगेन चेंज टू ज़ीरो, राइट। तो ये है जो आपका, ये आउटपुट ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और फिर जो आपका आउटपुट वन है, दिस आउटपुट वन विल चेंज टू अ वैल्यू वन वेन एवर दिस सेकेंड क्लॉक साइकिल विल कम, अदरवाइज इट विल चेंज टू ज़ीरो। जैसे ही सेकेंड क्लॉक साइकिल आपकी एंड होगी, तो ये ज़ीरो में चेंज हो जाएगी, दिस इज़ योर आउटपुट ज़ीरो, ओके। और जैसे ही आपकी जो आउटपुट थ्री है, आई मीन दिस इज़ आउटपुट वन, दिस इज आउटपुट वन, सो एज सुन एज दिस आउटपुट टू विल क्रिएट अ वैल्यू वन ऑन द थर्ड क्लॉक साइकिल, एंड देन इट विल चेंज टू ज़ीरो लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आउटपुट टू। इन द सेम वे दिस आउटपुट विल टेक अ वैल्यू वन हीयर, एंड देन इट विल चेंज टू ज़ीरो लाइक दिस। तो ये जो है, ये आउटपुट थ्री को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेम वे यू कैन हैव आउटपुट 15, जो आपका आउटपुट 15 होगा, सो दिस आउटपुट 15 विल टेक अ वैल्यू वन फॉर द 15th क्लॉक साइकिल। इतना समझ आया हाउ दिस इज़ वर्किंग when these outputs आर टेकिंग अ वैल्यू वन। देखो, ये वैल्यू वन कब लेंगे, these output will be taking a value 1 according to the sequence counter. तो अगर आपका जो sequence counter है, the sequence counter is producing an output 1000, तो output 1 जो है वो 1 हो जाएगा उस समय पर। जैसे ही sequence counter की value 0100 हो जाएगी, यानी कि जो output 2 है, that will take a value 1, या फिर जैसे ही sequence counter की value 1100 हो जाएगी, तब आपका जो output 3 है, that will take a value 1. तो इस तरीके से हर एक क्लॉक साइकिल पे एक जो डिकोडर का आउटपुट है, दैट विल बिकम एक्टिवेटेड। इतना समझ आया कि एट एवरी क्लॉक साइकिल एग्जैक्टली वन आउटपुट ऑफ द डिकोडर विल टेक अ वैल्यू 1, ओके। इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि ये इतना आसान नहीं है, और आपको वन गो के अंदर ये इतना ईजिली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो शो यू द बुक। तो मैं आपको एक बार बुक भी शो करता हूँ, ठीक है। लेट मी ऑल्सो शो यू द बुक हियर। सो बुक के अंदर दिस इज द डायग्राम दैट इज गिवन, ठीक है। तो ये डायग्राम गिवन है, और यहाँ पर जो मैं सिर्फ इस सर्किट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्किट। तो ये जो सर्किट है, इसमें छोटा सा जो सर्किट है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और ये जो टाइमिंग एंड क्लॉक सिग्नल्स यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइमिंग एंड क्लॉक सिग्नल, ठीक है, ओके। सो लेट मी मेक इट स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसको और बेटर तरीके से हम लोग समझ सकें, ओके। तो मैं डिजिटल लॉजिक पे वापस जाता हूँ, सो आई विल गो बैक टू डिजिटल लॉजिक, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन कि काउंटर्स को कैसे हम लोग बना सकते हैं।